हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई, योर फेवरेट वीडियो एंड योर ओनली चैनल जहां पे हम लोग हर तरह का कंटेंट रिलेटेड टू फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, समटाइम्स पॉलिटिक्स, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो सच्चाई तो वो डाल सकते हैं। जेफरीज़ की एक रिपोर्ट आई है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जेफरीज़ हैज़ पुट आउट अ रिपोर्ट सेइंग दैट आईटी सेक्टर इन द कमिंग क्वार्टर विल हैव मॉडेस्ट टू एवरेज काइंड ऑफ अ ग्रोथ। एंड वैसे तो हर क्वार्टर में आप ध्यान रखिए, एक्सेंचर जो यूएस में है, दे आर, इट इज़ द बेल वेदर ऑफ द आईटी ग्रुप, सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। 1970s में एंडरसन कंसल्टिंग के नाम से चलती थी। एक्सेंचर अगर थोड़ा पॉजिटिव होता है तो इंडियन आईटी स्टॉक सबसे पहले भागने लगते हैं। इस बार भी एक्सेंचर का रिपोर्ट एवरेज ही था, थोड़ा बहुत उसमें ग्रीन शूट्स वर विजिबल, बट ओवरऑल जेफरीज़ बोल रहा है amongst the top tier companies only Infosys and LTI Mindtree could show some kind of 0.8 to 2.4% Q1Q growth। मतलब वो रेंज बहुत नैरो है और इन्फोसिस के पास दूसरे भी इश्यूज़ हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे कंट्रीज़ में लॉ सूट्स चल रहे हैं, तो खर्चे वर्चे, एम्प्लॉई कॉस्ट अच्छे से आई टी कंपनीज़ मैनेज करिए। मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो में बताया था हाउ दे रिड्यूस द एम्प्लॉई हेड काउंट एंड दैट शोज़ इन द कॉस्ट मैनेजमेंट। भाई क्या होता है कि रेवेन्यू ज़्यादा नहीं कमा रहे हो तो अपने एम्प्लॉयज़ निकाल के दो एम्प्लॉई का बर्डन, या यू कहे तो मोर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मैनेजिंग मोर वर्क, लेस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मैनेजिंग मोर वर्क एक्चुअली। तो इस वजह से क्या है कि TCS, HCL Tech आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अ वेरी सर्कमस्पेक्ट, दैट्स वॉट मैंशन इन द रिपोर्ट, मेरे सामने मैंने रखी है, सर्कमस्पेक्ट क्वार्टर, एवरेज टू बिलो एवरेज। मतलब 1% Q1Q कोई ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस नॉइज दे आर वेरी होपफुल ऑन अ कंपनी विच आई ऑल्सो मिस्ड आउट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स। इसमें करेक्शन जो आया था वो बहुत डीप था बीच में, एक डेढ़ साल पहले, नाउ इट अगेन वेंट अप। एंड उसमें कहा है कि अमंग मिड टीयर फर्म्स ICICI सिक्योरिटीज़ का ये नोट है, दे एक्सपेक्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स टू नॉट ओनली लीड द पैक बट ऑल्सो बी हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट विथ 5% ऑर्गेनिक ग्रोथ। मेरे तरफ से इसमें दो नाम जोड़ दीजिए, एक है बिरला सॉफ्ट, आई विल बी रियली हैप्पी टू सी द ग्रोथ नंबर्स ऑफ बिरला सॉफ्ट, एंड ऑल्सो सैक्स ऑफ बींग अ स्मॉल कैप कंपनी। मैं इन दोनों को ट्रैक कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नन ऑफ द स्टॉक्स आर बाय सेल रिकमेंडेशंस, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एंड मेरी तरफ से एक बोनस है, KPI टेक्नोलॉजीज़ में मुझे लग रहा है और ICICI सिक्योरिटीज़ को भी लग रहा है कि ठीक ठाक नंबर्स आएंगे, एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स, मतलब दिस स्टॉक आई हैव बीन ट्रैकिंग सिंस 3 ईयर्स, रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है, मेरे को लगता है अभी इस स्टॉक का टाइम आ रहा है टू आउट परफॉर्म एंड टू शो इट्स ट्रू कलर्स, बट यू नो इट माइट टेक टाइम, इट माइट बी अ वाइल बिफोर हैप्पीएस्ट माइंड्स मेक्स योर माइंड्स हैप्पी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। कंपनी जो बिजनेस में है, जो उनके पास रेवेन्यू ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, वो मुझे लग रहा है बढ़ सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।